हेलो दोस्तों, आज हम सोल लैंड सीरीज का आगे की कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हुहन एम्पायर सोल मास्टर को दिखाया जाता है और वह सारे लोग अपनी सोल रिंग एक साथ रिलीज कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मार्शल जिलांग को और वह टैंशन और ग्रैंड मास्टर खड़े हुए देख लेते हैं और उनसे कहते हैं, अब आपकी बारी है। तभी ग्रैंड मास्टर हाथ उठाते हुए कहते हैं, रिलीज सोल रिंग। टैंग आर्मी के 4000 से ज्यादा सोल मास्टर अपनी सोल रिंग रिलीज कर देते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी यह लोग एक साथ होते हैं। टैंशन के ऑर्डर पर टाइटन और ओल्ड बर्ड टैंग आर्मी को अरेंज कर लेते हैं और वह गॉडली क्रॉसबो को ऊपर उठाते हैं। तभी टैंशन शांत तरीके से कहता है, बिना मैं कहे जाने पर इसे मत चलाना, या फिर मैं नहीं हो तो इन लोगों की ऑर्डर लेना। और इनके आगे 2000 से ज्यादा टैंक सेक्ट का डिसेबल होते हैं और ग्रैंड मास्टर के आगे 4000 से ज्यादा सोल मास्टर ऑर्डर का इंतजाम कर रहे होते हैं। तभी दुबुगो की आवाज आती है और वो टेंशन को इनडायरेक्टली फाइट करने के लिए कह रहा होता है। तभी टेंशन कहता है, टीचर, मैं इसे आपके और मार्शल जिलांग पर छोड़ता हूँ। मार्शल जिलांग कुछ कह पाता पहले ही टैंशन ट्राइडेंट को पकड़कर वहां से निकलता है। साथ में सारे श्रेक डेविल्स होते हैं। बीबी डोंग ने देखा हेवन डू एम्पायर ने सिर्फ 8 ही लोगों को भेजा है, लेकिन जैसे ही उसने सी गॉड ट्राइडेंट को देखा तुरंत ही कहती है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, एल्डर मेरे पीछे आओ। तभी टैंशन सी गॉड ट्राइडेंट को आसमान से बाले की तरफ फेंकता है। उसी समय टैंशन अपनी डेथ गॉड डोमीन को एक्टिवेट कर लेता है, जिस डोमीन ने इन ऑटो को घेर लेता है। तभी हम देखते हैं एलिफेंट क्लैन के चीफ इसे देख रहा होता है और वह जोर से हंस रहा होता है। उनके दिल में डर तो है ही नहीं। इसी के साथ ट्राइडेंट इनके पास ही आ रहा होता है। पीछे से बीबी डोंग उसे आवाज देती है, उसे ब्लॉक मत करो। लेकिन अब कहाँ, अब तो देर हो चुकी थी। टेंशन के माथे से सी गॉड लाइट निकलते हुए दिखाई दी, साथ ही ट्राइडेंट एलिफेंट क्लैन के चीफ के सिर पर लगता है और इनके पास जो भी डिसेबल होते हैं और वो सभी लोग इस ब्लास्ट के कारण पीछे जाकर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं एलिफेंट क्लैन के चीफ उस सी गॉड ट्राइडेंट को रोक करके रखा होता है और इनकी डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और सी गॉड जैसे वेपन भी इनकी डिफेंस को भेद नहीं सका होता है। सोचो इनकी डिफेंस कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन ट्राइडेंट के वजन के कारण उसके चारों अंग अलग हो जाते हैं और एक झटके के साथ जमीन के ऊपर गिरता है। इस एक ही अटैक को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। इसी के साथ मार्शल जिलांग भी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो है। टेंशन ने किसी भी सोल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था और उसे एक ही पल में मार दिया। इससे जिलांग भी समझ गए होते हैं आखिर क्यों टेंशन को मार्शल के ऊपर रखा गया है। उसी के साथ हम देखते हैं टेंशन की डेथ गॉड डोमीन चारों तरफ फैल जाता है। टेंशन ने सी गॉड ट्राइडेंट को अपनी तरफ खींचता है, साथ ही अपनी सोल रिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर तो ग्रैंड मास्टर हैरान होने के साथ उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसी के साथ टेंशन अपनी लेफ्ट लेग डेमोनिक एक्स को रिलीज कर देता है, जिससे एलिफेंट क्लैन 2 डिसेबल पूरी तरह से इंजर हो जाते हैं। साथ ही टेंशन की पीछे से एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई दिया। टेंशन ने अपनी राइट आर्म सोल बोन का इस्तेमाल करता है और टेंशन को पीछे से रोंगरों बूस्ट कर रही होती है और इस ड्रैगन की प्रेशर के नीचे सभी लोग आ जाते हैं और यह राइट आर्म सोल बोन का सेकंड टेक्निक होता है और वो जाकर सेक्रेट ड्रैगन पर लगता है। इसके प्रेशर में आकर उस ड्रैगन बहुत घायल हो जाता है। जैसे ही बीबी डोंग ने टेंशन को देखा और वो तुरंत मैदान में आती है। तभी हम देखते हैं सारे श्रेक डेविल्स भी फाइट कर रहे होते हैं और साथ ही डूबूगो अपनी सोल रिंग यूज करने के साथ पॉइजन को हर तरफ छोड़ देता है। उसी के साथ टेंशन अपनी क्लियर स्काई हैमर को इस्तेमाल करता है और वो पूरी तरह से रेड कलर से भर गया होता है। उसी के साथ टेंशन हैमर का एक ब्लैक रिंग को इस्तेमाल करता है, जिसे हैमर ऊपर उड़ जाता है और साथ ही लेफ्ट आर्म बोन का फर्स्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है और वो हैमर बीबी डोंग की ओर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं डेथ स्पाइडर के रूप में बीबी डोंग हवा में होते हैं और वो हैमर सीधा आकर उसकी कवच पर लगता है,
जिसे बीबी डोंग इसको रोक लेती है और ग्रेविटी प्रेशर में आकर कुछ पीछे हट जाती है। उसी के साथ टेंशन सी गॉड ट्राइडेंट को ऊपर उठाता है। तभी रोंग रोंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझ पर ध्यान मत दो। उसी के साथ यांग उदी, स्नैक क्लैन और पॉइजन मास्टर, फिश मास्टर दोनों ही अपने पुराने दुश्मन से मिल जाते हैं। फिश मास्टर डायरेक्ट पॉइजन मास्टर पर अटैक कर देता है। पॉइजन मास्टर छोड़ दी गई पॉइजन को एक ही पल में रोक दिया होता है। तभी हम देखते हैं हुहन एम्पायर की एक सॉल मास्टर रोंग रोंग पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उसके साथ रोंग रोंग अपनी 8th सोल रिंग को यूज करती है। एक ही पल में रोंग रोंग की पगोड़ा चमक उठता है, जिसे वो सोल मास्टर को ऐसा लगा वो किसी दीवार से टकरा गया है और पीछे की ओर धकेल दिया गया। इसे देखकर रोंग रोंग की फादर भी हैरान होते हैं। इसमें रोंग रोंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था, इससे वो सोल मास्टर ही ज्यादा इंजर होता है। हम देखते हैं दोनों ही आर्मी अटैक करने लगते हैं। मार्शल जिलान ग्रैंड मास्टर को देख रहे थे। जिलान अटैक के लिए बेचैन हो रहा होता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने उसे रोक लेते हैं। तभी स्वॉर्ड मास्टर आगे आता है और आते ही अपनी 7th सोल टेक्निक का यूज करता है, जिसे वहाँ पर स्वॉर्ड का बारिश होने लगता है। उसी के साथ निंगफंग जी इसको सपोर्ट करने लगता है। इसकी वजह से इनकी सोल पावर 98 हो गया होता है, जिससे वो बीबी डोंग से फाइट कर सकता है। आसमान से गिरने वाली इन सभी स्वॉर्ड ने सेक्रेट ड्रैगन के 10,000 आर्मी को रोक दिया और साथ ही बड़ा बड़ा स्पॉट होने लगता है। भले ही वो लोग मारे नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा गायब होते हैं। ठीक इसी समय ग्रैंड मास्टर ने अटैक का इशारा करने लगते हैं। तेज आवाज के साथ 10,000 से ज्यादा टैंग आर्मी ने पहली बार युद्ध के मैदान में गॉडली क्रॉसबो को यूज करते हैं। 200,000 के क्रॉसबो की भीड़ एक सेकंड में सेक्रेट ड्रैगन की फ्रंट लाइन में पेल जाता है। इसी अटैक के साथ सोल मास्टर भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। इससे इस क्रॉसबो अटैक भयानक हो गया होता है। सेक्रेट ड्रैगन आर्मी बिखर गया होता है। इसके बाद वो लोग दोबारा से गॉडली क्रॉसबो को चलाते हैं। इसकी इफेक्ट में आकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद कम सोल पावर रहने वाली सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और हाई लेवल सोल मास्टर बचे हुए होते हैं। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।